So today we will be starting the next chapter, periodic classification of elements, right? So you all know from the ninth standard, we are talking about the atoms, elements, atoms, they join to form molecules, right? Different compounds formation are there with the help of these elements, right? At present, it is 118 elements that are known to us at the present time, okay? But initially, if we talk about the times, when only few elements were known, that was by the end of the 17th century. But later on, the number of elements, it started increasing with the discovery of the new elements. Okay, so just as the discovery start hui, nae elements jo the, they were actually started discovering. Right, so now it is 118 elements that are known to us. The different elements that we know, boron, carbon, nitrogen, oxygen, iron, cobalt, nickel, manganese. Okay, so many elements are there at this time. But what will be the observation, what will be the generalizations of the scientist at that time when these elements they were known? Okay. तो साइंटिस्ट में एक क्यूरियोसिटी थी कि हमने क्या करना है, हमने इनको स्टडी करनी है. सी द एलिमेंट जितने भी हो, 50 हैं, 60 हैं, एट दैट टाइम व्हेन द एलिमेंट्स दे वर एक्चुअली डिस्कवर्ड. ओके, सो देयर वाज एक्चुअली अ जनरलाइजेशन अबाउट द ऑर्डर, अबाउट अ पैटर्न. ओके, अ पैटर्न, अ ऑर्डर, कुछ वे आउट जो थे साइंटिस्ट दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड आउट कि हम इनको कैसे अरेंज कर सकते हैं. अब सी इफ वी आर हैविंग 50, 60, 70 एलिमेंट्स, तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि हम एक एक की जो स्टडी है उसको करें. ओके, दैट विल बी वेरी हेक्टिक प्रोसेस, राइट? एक एक की स्टडी जो है वो करना, दैट इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल. सो द साइंटिस्ट दे वर एक्चुअली फाइंडिंग सम वे आउट सो दैट दे कैन अरेंज दीज एलिमेंट्स इन सर्टेन ऑर्डर. दे शुड फाइंड आउट सर्टेन पैटर्न जिसमें ये एलिमेंट्स जो थे, जिनकी स्टडी जो थी वो इजी हो सके. ओके, सो बाय दैट टाइम दे एक्चुअली स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ पैटर्न, फॉर एन ऑर्डर, फॉर सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट वर नोन टू देम एट दैट टाइम. ओके, सो हाउ दिस केओस, ठीक है, ये जो सारा केओस हुआ था, हाउ दे सॉर्टेड आउट. ओके, लाइक आई सेड, दे स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग दीज एलिमेंट्स, वो इन एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर गए. ओके, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन दे वर एक्चुअली मेकिंग ऑन द बेसिस कि जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं, जो सेम एलिमेंट्स हैं, उनको हमने एक तरफ रखना है, और जो सिमिलर एलिमेंट्स नहीं है, जो एक दूसरे के साथ कोई प्रॉपर्टीज रिजेंबल नहीं करते हैं, उनको अलग से रख देते हैं. ओके, सो दिस अरेंजमेंट और this arranging of the elements in certain order with similar elements placed together, जहां पर उन्होंने similar elements को एक तरफ रखा और जो dissimilar elements थे, ठीक है, जो सेपरेट, जो डायसिमिलर एलिमेंट्स हैं, जो एक दूसरे को रिजेंबल नहीं कर रहे हैं, उनको सेपरेटेड रखा. ओके, सो अरेंजिंग ऑफ दीज एलिमेंट्स इन अ सर्टेन ऑर्डर विद सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड टुगेदर एंड डायसिमिलर आर सेपरेटेड. ओके, so this is basically known as the classification of the element. So agar aapse poochte hain that what do you mean by classification of the element, so what is the classification of the element where we are actually placing the similar elements together and we are separating them from the dissimilar elements. Okay, so what will be the use of this? तो ऐसे एक पैटर्न, ऐसे एक ऑर्डर क्रिएट करने से क्या होगा, हमारे पास जो सिमिलर एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है. तो बजाय एक एक एलिमेंट की स्टडी के हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सी इफ आई एम हैविंग 10 एलिमेंट्स सिमिलर, तो उन 10 के 10 एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज हो जाएंगी.
जो एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी वही वो 10 के 10 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हो जाती हैं. ओके, तो दैट मींस इट एक्चुअली मेक द स्टडी ऑफ दीज एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इजियर वन, राइट. तो इससे क्या होता है, जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी जो हैं वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो. दैट मेक द प्रिडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट्स ऑल्सो और द एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स देयर प्रॉपर्टीज दे कैन बी इजिली प्रिडिक्टेड, दे कैन बी इजिली गेस्ड ऑन दीज बेसिक प्रॉपर्टीज. ओके, तो ये एक बेसिक अरेंजमेंट था जो इनिशियली जो साइंटिस्ट थे दे फील लाइक वी शुड बी हैविंग सम सर्टेन ऑर्डर, सम सर्टेन क्राइटेरिया by which we can actually classify these elements, we can actually study these elements. Now based on these attempts, theek hai, now the scientists they start attempting and they start searching for an order. So the very first study, it was based on the scientist called Dobinier. Okay, so jisko aap Dobinier traits bhi kehte ho. So a scientist called Joel Wolfgang Dobinier, he actually gave a theory regarding the traits. तो इसने traits पे एक theory दी है. Traits क्या होती हैं बेटा? See, जैसे दो को आप pairs कहते हो, ठीक है? ऐसे ही जब आप तीन चीजें लेते हो तो उसको हम trade कह देते हैं. Okay, so here the trade is actually the grouping of the element in three. So three elements ki grouping ko yahan par hum kya kehte hain? We call this grouping as trades. Okay, now what Dobinier he actually observed, he was a German scientist and he tried to group the elements in this trade. ठीक है, तो उसने यहाँ पर तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप जो थे वो लेने शुरू किए हैं और उनके बेस्ड ऑन देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज ही स्टार्टेड एक्चुअली मेकिंग दीज ट्रेड्स. तो इन ट्रेड्स के जो एलिमेंट्स थे उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी. ओके, एंड दिस ट्रेड अरेंजमेंट इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. तो इसमें उन्होंने क्या लिया है, जो डॉबिनियर है ही एक्चुअली took their atomic masses. तो ये study जो थी वो उनके atomic masses के base पे की गई थी, जिसमें उसने क्या कहा, suppose in the trade I am having three elements A, B, C. मेरे पास तीन elements हैं A, B, C. What Dobinier he actually said that if I take these two elements and I'll be taking their atomic masses और उनका जो मैं average करूँगा it will be equal to the atomic mass of B. ओके, सो व्हाट ही डिड एक्चुअली, उसने तीन एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है. इन तीन एलिमेंट्स को मैंने एटॉमिक मासेस को ए बी सी कह दिया है. जैसे फर्स्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो ए है, सेकंड का बी है. ओके, ये फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास है, ये सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक मास हो जाएगा एंड दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट. तो व्हाट ही डिड एक्चुअली, he said that the atomic mass of the first and the third element, जब उसने उनको atomic masses के basis पे arrange किया है in the increasing order of their atomic masses. I said that he made his discovery or he made this generalization based on the atomic mass. तो उसने क्या कहा, increasing order of atomic masses में इनको arrange कर लिया. जैसे A का जो atomic mass होगा वो कम होगा, B का atomic mass A से ज्यादा होगा और C का सबसे ज्यादा होगा. ओके, तो देन व्हाट ही सेड दैट कि जब मैं एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज लेता हूं, एवरेज मींस जब मैं उन दोनों को प्लस करके डिवाइड करूंगा टू के साथ, तो दैट विल बी एग्जैक्टली गिविंग मी द एटॉमिक मास ऑफ दिस सेकंड एलिमेंट, दिस मिडल एलिमेंट. ओके, सो दिस वॉज हिज जनरलाइजेशन रिगार्डिंग दीज ट्रेड्स एंड ही मेड हिज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑन द प्लेटिनम. ओके, तो उसने ये ट्रेड वाली जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो थी वो कहां से इंस्पायर हुआ था, when he made the observation on the platinum as a catalyst. Right?
So he was actually working on the platinum that he actually used as a catalyst. So from there, he actually get inspired to make the 3D straight. So now how the straight theory was actually possible? So usne three pairs liye hain, lithium, sodium and potassium ke. So jaise maine aapko yahan par ABC bataya hai, now let's take some examples. So the pairs are lithium, sodium and potassium. Okay, and the atomic mass of lithium he take is 6.9, that is approximately 7, iska 23 aur iska 39. Okay, now what he did actually, usne 6.9 ka aur 39 ka kya kar diya hai, average le liya hai, divided by 2. So when you are going to roughly take this value, it is going to give you 22.95. So that actually resembles with the value of the sodium, that is 23. Okay, so yahan se usne kaha ki jo lithium hai, jo sodium hai aur jo potassium hai, they are actually resembling with each other. ओके और इनको इसने क्या नाम दिया, अल्कली मेटल्स का नाम दिया. वेयर ही सेड दैट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज और दे आर हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज, ये सारे के सारे मेटल्स हैं. ओके तो उस बेस पे अपने ये ट्रेड के ऑब्जर्वेशन के बेस पे इसने क्या कहा कि ये जो तीनों हैं ये सिमिलर प्रॉपर्टीज शेयर कर रहे हैं. तो सिमिलर प्रॉपर्टीज में क्या आ जाते हैं, दे ऑल आर मेटल्स, आप देख सकते हो लिथियम सोडियम पोटाशियम ये सारे जो हैं वो मेटल्स हैं. ओके और ये सारे जो हैं दे कैन रिएक्ट विद वाटर और पानी के साथ रिएक्ट करके ये आपको हाइड्रोक्साइड्स देते हैं दैट आर वेरी वेरी कॉमन, लिथियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है जी, पढ़ते हैं ना हम लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम NaOH KOH LiOH, तो ये सारे जो है वो हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू द वैलेंसी सो दे ऑल शो वन वैलेंसी, ये सारे जो है वो वन वैलेंसी शो करते हैं. यू नो दिस थिंग, लिथियम का 3 नंबर है, इसका 11. ठीक है, तो अगर आप इसको अरेंज करोगे इट विल बी 2 1, तो वन वैलेंसी, 2 8 1 अगेन वन वैलेंसी, दिस इज 19, 2 8 8 1 ठीक है. तो इस बेस्ड पे उसने क्या कहा था, दैट दीज ऑल द थ्री ट्रेड्स हेयर द एलिमेंट्स दैट आर टेकन दे ऑल आर हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज, सारे के सारे मेटल्स हैं, सबकी प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है. ओके एंड दे ऑल रिएक्ट विद वाटर, पानी के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, बेसिक सॉल्यूशन दैट इज हाइड्रोक्साइड देते हैं. सिमिलरली ही टुक द एग्जांपल ऑफ कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम. तो जैसे उसने अभी ये ट्रेड लिया है वैसे ही उसने कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का पेयर लिया. ओके सो रफली जो वैल्यूज थी दैट वाज 40 फॉर द कैल्शियम, 87.6 फॉर द स्ट्रॉन्शियम एंड फॉर द बेरियम इट इज 137.3. ओके सो ही टुक दीज वैल्यूज ऑफ द एटॉमिक मासेस. अगेन वी विल बी डूइंग the average of the first and the third and it is going to give you 88.3. to ye aapko 88.7 sorry not 3 88.7 ki value de raha tha, that is close to the strontium value. theek hai, ye strontium ki value ke close hai, 87 and 88. so again using this theory he again said that they all are same, calcium strontium aur barium jo hai wo tino same hai. And he grouped them into the alkaline earth metals. इनको हम क्या कहते हैं, alkaline earth metals कहते हैं. Again, if you can see, they all are metals. Calcium metal है, strontium, barium, they all are metals. ठीक है, oxide form करते हैं. Basic oxide है calcium का, CaOH twice, that is basic. हाइड्रोक्साइड, ओके ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, कैल्शियम का ऑक्साइड आपने पढ़ा है CaO, राइट, एंड दे आर हैविंग प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस 2 वैलेंसी है इनकी, 2 वैलेंसी है. ठीक है, तो इस बेसिस पे उसने ये ट्रेड का फॉर्मूला जो था वो दिया था. अगेन द थर्ड ट्रेड ही टुक फॉर द क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन. ठीक है,
जो उसने थर्ड ट्रेड ली. सो यू कैन टेक एनी ऑफ द एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस ट्रेड. थर्ड ट्रेड में उसने क्लासिफाई किया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ऑन दिस बेसिस. ओके, वेयर ही टुक फॉर द क्लोरीन 35.5, फॉर द ब्रोमीन 79.9 एंड फॉर द आयोडीन दैट इज 126.5. ओके, तो अगेन वी विल बी डूइंग and the value it gives to us is 81.2. so again that is fairly very close to this value, 79.9 ke close hi hai 81.2. again he classify this trade chlorine bromine or iodine ki ye jo 3 ka trade tha usne isko kya hame classify kiya halogens. okay, so he called them as halogens. Where the meaning of halogen is salt producing. Halo means salt and gens means producer. यानी कि कोई भी चीजें, कोई भी metals जो हैं या any element, if they are going to react with these halogens, they will be producing the salt. जैसे NaCl है, sodium chloride. ठीक है, जब sodium का chlorine के साथ salt बन जाता है, that is called as NaCl, right? तो क्लोरीन, ये जो हैलोजन फैमिलीज हैं, जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये आपको क्या देते हैं, सॉल्ट्स देते हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज सॉल्ट प्रोड्यूसर. ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही टुक. यू कैन आल्सो टेक द एग्जांपल ऑफ सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम. Where the atomic mass of the sulfur is 32 and the rest of the members they are having 79 and 128. Again 32 plus 128 upon 79 करोगे, so that will be roughly giving you 80. So again that is very close to 79. Okay, now come the limitation part. अब बहुत सारी थ्योरी के बेसिस पे चीजें जो थी वो क्लासिफाई हुई, काफी एलिमेंट्स जो थे वर दे वर क्लासिफाइड, बट दिस ट्रेड फॉर्मूला इट वाज लिमिटेड. ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स के ऊपर हम ये ट्रेड फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर पाए. दैट वाज वेरी लिमिटेड कंसेप्ट फॉर द ग्रुप वन मेंबर. जो आपने अल्कली मेटल्स पढ़े हैं, अल्कली नॉर्थ मेटल्स पढ़े हैं, हैलोजन्स के ऊपर लग गया, या एक ये ऑक्सीजन फैमिली की ट्रेड आ गई है, सल्फर सेल्यूरियम एंड टेल्यूरियम. Okay, but if we try this trade on the nitrogen family, that is the nitrogen, phosphorus and arsenic, where the atomic mass of nitrogen is 14, phosphorus ka 31 hai aur arsenic ka that is 74.9. तो 14 में जब आपने 74.9 ऐड किया, ओके, एंड इफ यू टेक द एवरेज ऑफ दिस, सो द वैल्यू इट गेव टू यू दैट वाज 44.49. दैट इज वेरी वेरी लार्ज फ्रॉम 31. ठीक है, तो 31 से ये जो वैल्यू थी ये बहुत बहुत ज्यादा आई, राइट? सो वी कैन से दैट दिस ट्रेड फॉर्मूला इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द एलिमेंट्स दैट वर एक्चुअली नोन एट दैट टाइम. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डोबिनिया ट्रेड थी ये फेल हो गई. दिस फॉर्म द लिमिटेशन ऑफ दिस ट्रेड दैट दीज ट्रेड फॉर्मूलाज दे आर वेरी लिमिटेड. ओके, तो इन ट्रेड फॉर्मूलाज का जो स्कोप था वो लिमिटेड था. आप कुछ ही एलिमेंट्स के ऊपर इनको अप्लाई कर सकते हो, बट यू कांट अप्लाई देम टू ऑल ऑफ द एलिमेंट्स, राइट? इज दिस क्लियर बेटा? हाँ जी, यहां तक क्लियर हुआ है? Anyone else? Okay, coming to the next. Now, after the limitations of this Daubigny's trade, another scientist, he actually tried to figure out the classification or to figure out some of the order, a way to classify these elements. And that is Newland, John Newland. So the second theory we will be studying about the classification is the Newland law of octaves.
In 1866, an English chemist, John Newland, he actually proposed a theory based on the, again, atomic masses के basis पे ही ये भी theory है. तो इस theory ने भी elements के atomic masses को consider किया है. Again, we have to form an increasing order of atomic masses. Okay? तो जब हमने इन सारे एलिमेंट्स को इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया, सो न्यूलैंड ही वाज एबल टू फिगर आउट अ पैटर्न फ्रॉम द हाइड्रोजन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मेंबर टू थोरियम. ओके, तो ये क्लासिफिकेशन जो थी, ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का फिनोमिना था, ही एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड ही एंडेड अप टू द थोरियम एलिमेंट. ठीक है, तो दैट वाज एक्चुअली द 56th एलिमेंट. तो यानी कि फर्स्ट टू 56th एलिमेंट तक ही वाज एबल टू क्लासिफाई. ओके, तो 56th एलिमेंट तक उसने ये जो क्लासिफिकेशन थी, ये जो ऑर्डर था, ही वाज एबल टू गिव. नाउ व्हाट वाज द ऑर्डर? अगेन द ऑर्डर इज, और द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव इज, कि जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो एटॉमिक मासेस में, तो जो फर्स्ट, जो 8th एलिमेंट है, ठीक है, see, when you are actually arranging these elements in some of the order, so the every 8th element, it actually resembles in the properties of the first element. Okay, तो आपका ये जो 8th element कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ पर लिखा जाएगा हर बार. Okay, the properties of the every 8th element, they actually resemble the first element. Is this clear? यहां तक क्लियर हुआ बेटा? सो लेट्स राइट डाउन द लॉ. तो लॉ क्या कहता है? व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ their atomic masses, the properties of every 8th element resembles with the first element. ठीक है, so this was actually the law, Newland law of octave, कि जो भी 8th element की property होगी वो हर बारी किसको resemble करेगी? With the repetition of the, or it will resemble with the all the properties of the first element. ठीक है, इसीलिए इसको law of octaves कहा जाता है, because it actually resembles with the, or it actually shows the similarity with the musical notes. तो आप ऐसे लिखते हैं ना, सारे गामा पाधा नी सा, अगेन जो सा है, ठीक है, वो फर्स्ट वाला आ जाता है. देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो सा आप लिखते हो, इट एक्चुअली रिजेंबल्स द फर्स्ट वन, दैट इज अगेन द सा. ओके, ठीक है बेटा, तो जो आपका 8th एलिमेंट होगा, इट विल ऑलवेज रिजेंबल्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट दैट यू आर गोइंग टू राइट. ओके, बेस्ड ऑन दिस लॉ, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो उसने कौन कौन से एलिमेंट्स को कैसे कैसे क्लासिफाई किया वो देख लेते हैं. सो मैं सारी क्लासिफिकेशन नहीं लिखूंगी, जनरल क्लासिफिकेशन जो है हमारी. ओके, सो हेयर ही टुक द एलिमेंट्स, राइट, जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स थे, एंड हेयर दे आर द म्यूजिकल नोट्स. Okay, he actually started from the hydrogen, that is the first member, hydrogen, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen. Okay, this was the first series, then it is fluorine, neon. Nitrogen ko nahi liya hai, yahan par helium ko bhi nahi liya hua hai, because they are the noble gases, so unko humne bilkul separate rakha hai abhi. Okay,
सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस एंड सल्फर. ठीक है, सल्फर के बाद आ जाता है आपका क्लोरीन पोटाशियम कैल्शियम. ओके, तो फर्स्ट 20 मेंबर्स के बेस पे देख लेते हैं. सो व्हाट वाज द जनरलाइजेशन, अगर आप अपनी ट्रेड देखो तो हमने फर्स्ट ट्रेड यही लिखी थी, लिथियम सोडियम और पोटाशियम की ट्रेड दी है मैंने आपको अभी तक. डोबिनियर ने जो क्लासिफिकेशन की थी तो उसमें ये कहा था उसने कि लिथियम सोडियम और पोटाशियम की जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर. ओके, तो दैट मींस ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो सेम प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं. सो दिस ऑब्जर्वेशन हियर इट वाज राइट. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन व्हेन ही एक्चुअली अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस, सो ही गेट सम ऑफ द एलिमेंट्स दैट वर एक्चुअली रिजेंबलिंग द प्रॉपर्टीज, दे वर एक्चुअली शोइंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज. ओके, नाउ इंडियन सिस्टम इट हैज इट इज हैविंग द सेवन म्यूजिकल नोट्स दैट आई हैव रिटन, सारे गामा पाधा नीसा. ओके, बट इफ यू मूव टू द वेस्ट साइड दे एक्चुअली यूज सम ऑफ द अदर नोट्स दैट इज डो रे. ओके, सो दैट इज सो लाती. सो दीज आर द म्यूजिकल नोट्स दैट आर एक्चुअली यूज्ड इन द वेस्ट साइड. तो हम यहाँ पर सारे गामा पाधा नीसा यूज करते हैं, दे यूज एक्चुअली डोरे मी फा सो लाती. ओके, सो दीज न्यू नोट्स दे आर एक्चुअली सेपरेटेड बाय 1.5 स्टेप फ्रीक्वेंसी इंटरवल्स. Okay, so you just have to remember this thing, okay, because that is not actually related with the elements, so you should be knowing this. And you know that all the music, ठीक है, जो music composers होते हैं वो इन्हीं आठ notes के ऊपर जो है वो आपके सारे के सारा music जो है वो compose कर देते हैं. Okay, so that means it is only the repetition of these musical notes that you get a whole music, ठीक है. तो इन द सिमिलर वे हमारे एलिमेंट्स भी तो जो थे, ठीक है, तो इन्हीं आठ जो हमारा यू कैन से द पैटर्न वी आर टेकिंग हियर फॉर दिस म्यूजिकल नोट. सो इन द सिमिलर वे द एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स दे वर एक्चुअली रिजेंबलिंग देयर प्रॉपर्टीज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन. ओके, नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस ऑक्टेव, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की क्या क्या लिमिटेशंस थी. सो इफ वी गो ऑन राइटिंग दिस सीरीज वी विल एंड अप हेयर लाइक दिस, ठीक है, जहां पर मैंने क्लोरीन के बाद कोबाल्ट और निकल लिखा है और सल्फर के बाद मैंने यहाँ पर आयरन लिखा है. फर्स्टली ऑक्टेव ने सिर्फ 56 एलिमेंट्स की एग्जिस्टेंस की बात की, ही सेड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स आर देयर, उसके बाद कोई एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर नहीं होंगे. एंड दैट इज वेरी रॉन्ग ऑब्जर्वेशन ऑफ हिम, क्योंकि क्लासिफिकेशन जो थी वो ठीक नहीं बैठ रही थी. ओके, नाउ द सेकेंड एनोमली, एनोमली मीन्स जो गड़बड़ होती है, ठीक है, द सेकेंड एनोमली हेयर वॉज फॉर द कोबाल्ट एंड निकल. अब अगर हम ये मान रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स एक नीचे एक दूसरे के ऊपर नीचे जो हमने प्लेस किए हैं ये सारे सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो इस कंटेक्स्ट में जो कोबाल्ट है और जो निकल है उनको तो फ्लोरीन क्लोरीन की प्रॉपर्टीज शो करनी चाहिए, दैट आर एक्चुअली द हैलोजन फैमिली, ठीक है, दैट वॉज एक्चुअली द हैलोजन फैमिली. बट कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज जो हैं वो फ्लोरीन क्लोरीन को शो नहीं करते हैं, ठीक है, सो दिस क्रिएटेड एन एनोमली. सेकेंडली कोबाल्ट निकल दे शो द प्रॉपर्टी सिमिलर टू द आयरन. आयरन कहाँ पर है, कोबाल्ट और निकल कहाँ पर उसने प्लेस कर दिया. ओके, दिस वॉज द सेकेंड एनोमली. द थर्ड वन हाइड्रोजन, इट एक्चुअली डोंट शो द प्रॉपर्टी सिमिलर टू फ्लोरीन एंड क्लोरीन. हाइड्रोजन भी जो है वो फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं शो करता है. ओके, एंड बेस्ड ऑन ऑल दिस अजम्पशन कि जो उसने 56 एलिमेंट की प्रेडिक्शन की और जो एलिमेंट्स भी प्लेस किए वो गलत थे, सो ही वॉज एक्चुअली ओनली वॉज एबल टू क्लासीफाई इट टिल द कैल्शियम. तो कैल्शियम तक की जो सीरीज मैंने लिखी है यहाँ तक, ठीक है, तो यहीं तक जो उसकी सीरीज थी वो ठीक प्रेडिक्ट हुई, बिकॉज लिथियम सोडियम पोटाशियम दे रिजेंबल, बेरिलियम मैग्नीशियम भी रिजेंबल करते हैं,
बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, तो ये बाकी सारे एलिमेंट्स ठीक थे। जो एनोमली में चले हैं वो ये है कि हाइड्रोजन यहाँ पर फिट नहीं हुआ, कोबाल्ट निकल भी जहाँ यहाँ पर फिट नहीं होते हैं, सिमिलरली आयरन इट ऑल्सो डोंट फिट हेयर। ओके, सो बाद में बिकॉज ही ओनली एक्चुअली टेल अबाउट दैट द 56 एलिमेंट के बाद कोई और एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होंगे। ओके, सो आफ्टर दैट द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस वॉज देयर। उसके बाद नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई जहां पर हमने हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन की डिस्कवरी की। ओके, सो द डिस्कवरी ऑफ दीज नोबल गैसेस वॉज डन दैट वॉज एक्चुअली नॉट एक्सप्लेन्ड एनीवेयर, राइट? तो नोबल गैसेस की डिस्कवरी के बाद ये जो थ्योरी थी इट वॉज क्वाइट इररिलेवेंट, कोई रिलेशन ही नहीं रहा इस थ्योरी का किसी के साथ। ओके, सो द थ्योरी इट एक्चुअली वर्कड वेल विद द लाइटर एलिमेंट्स। तो आप देख सकते हो फर्स्ट 20 जो लाइटर एलिमेंट्स थे उन्हीं के साथ ही ये जो थ्योरी के मेन रिजल्ट्स थे दे वर एक्चुअली पॉसिबल। बट जैसे जैसे आप हायर एलिमेंट्स में मूव कर रहे हो ये जो थ्योरी थी इट स्टार्टेड डेविएटिंग, ठीक है, डेविएशन थी, द रिजल्ट्स दे वर नॉट एक्यूरेट। ओके, सो अगेन जैसे यहाँ पर भी अनोमलीज आ जाती हैं उसके बाद जो साइंटिस्ट है दे ट्राई टू फिगर आउट सम मोर थिंग्स, ठीक है। सो इन दिस कंटेक्स्ट द मेंडेलीफ ही एक्चुअली गेव सम ऑफ इट्स ऑब्जर्वेशंस। सो टुमारो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल। ओके।